सो फाइनली आसमान ने ले आई है मेहर को फिर से घर वापस। जी हाँ, वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड आपको बहुत ही अमेजिंग देखने को मिलेगा उदारिया का, और वहीं एक तरफ आपको उदारिया के अपकमिंग एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगा कि फाइनली आसमान मेहर को घर वापस लेकर आ चुकी है। जी हाँ, वेल दोस्तों, हुआ कुछ यानी कि आने वाले एपिसोड के अंदर देखने को यह मिलेगा कि फाइनली जो मेहर होती है वो अपना घर छोड़ रही होती है, क्योंकि उसकी मम्मी यानी कि आसमान उसको प्यार नहीं करती है, वेल उसको ऐसा लगता है। और वहीं एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि जब वो बस में बैठ जाती है तो आसमा जो होती है वो देख लेती है महल को, एंड नाउ वो लास्ट में जाकर बस को रुकवा देती है, और रुकवाने के बाद फाइनली वो महल के पीछे पीछे जाती है एंड उसको पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद फाइनली उसको समझाती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं हानिया से करती हूँ। लेकिन जो महल होती है उसको यकीन ही नहीं हो रहा होता है, लेकिन फाइनली उसको यकीन दिला देती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि महल से करती हूँ। जी हाँ, और फाइनली उसको वापस से घर लेकर आ जाती है आसमा, और महल को घर वापस दे सभी जने बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि अरमान और आसमा की फिर से शादी हो चुकी है सक्सेसफुली। जी हाँ, इसके लिए महेंद्र ने खुद बोला है अपने पापा को कि पापा आप मेरी मम्मी यानी कि आसमा से शादी कर लो, और इस वजह से अरमान जो होता है बोलता है कि ठीक है बेटा, जो आप कहोगे मैं वही करने वाला हूँ। और फाइनली अरमान जो होता है आसमा से शादी कर लेता है, और फाइनली इन दोनों की शादी हो जाती है। वेल दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है उदारिया का। वेल, अब देखना ये होगा कि क्या होता है अपकमिंग एपिसोड के अंदर। वेल, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है अपकमिंग एपिसोड के अंदर, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। और ऐसे अपकमिंग एपिसोड के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। सो स्टेडियम इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय।